केवीआर हॉस्पिटल काशीपुर उत्तराखंड की ओर से काशीपुर का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर आईवीएफ का जो है आज सेंटर स्वार के ग्रीन सिटी हॉस्पिटल में निशुल्क सेंटर लगाया गया, जहां पर परामर्श लोगों को दिया गया। इसके साथ ही निसंतान लोगों को बुलाकर उनके फ्री चेकअप किए गए, उनको चेक किया गया, वहीं उनको एडवाइस भी दी गई। यहाँ पर डॉक्टरों ने जो है कई जो है महिलाओं का निसंतान महिलाओं को जो है चेक किया गया, क्योंकि बहुत दिन से जिन महिलाओं को गर्भ नहीं हो रहा है, जिन महिलाओं की संतान नहीं पैदा हो रही है, तो उनको नई तकनीक द्वारा जो है उनका इलाज करने के लिए आईवीएफ का सेंटर का जो है आज यहाँ पर निःशुल्क कैंप लगाया गया ग्रीन सिटी हॉस्पिटल रामपुर में। वहाँ पर कई महिलाओं को जो है चेक किया गया, इसके साथ ही उनको परामर्श भी जो है दिया गया। तो जिस तरीके से समय समय पर जो है ये कैंप लगते रहते हैं और निशुल्क जो है महिलाओं को चेक किया जाता है। कैंप लगाया गया है ग्रीन हॉस्पिटल में, क्या कहना चाहेंगे? ग्रीन सिटी हॉस्पिटल में मैं डॉक्टर नाजिया से मेरे बहुत ही पुराने संबंध हैं, बहुत ही स्वीट लड़की है। मेरा बहुत मन था इसके यहाँ कैंप लगाने का और मैंने एक अपना आईवीएफ सेंटर खोला है, तो मैं चाहती थी अपनी टीम को यहाँ लेके आऊँ और यहाँ पे जो ये स्वार क्षेत्र के मरीज हैं जो इतनी दूर काशीपुरा के इलाज कराते, एक बार उनको यहाँ पे निशुल्क परामर्श दें, हमारी टीम उनको मदद करे, उनको रास्ता दिखाने समझाने की किस प्रकार से इलाज कराना है और उनकी मदद हो सके। अच्छा, ये किस तरीके के इसमें मरीजों को आप लोग देखते हैं कि जो निसंतान जो पुराना जो किसी भी तरीके से कंसीव नहीं कर पा रहे या जो एक बार कंसीव कर गए 8-10 साल होने को आ रहे, कई साल होने को आ रहे, दोबारा नहीं कर पा रहे, कोई ना कोई इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं, बीमारी चालू हो जाती है, उस वजह से नहीं कर पाते, उन सब चीज़ों को अलग अलग तरीके से समझना पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है। आप कितने मरीजों को यहाँ देखा? और लगभग 70-80 मरीज तो देख चुके हैं, अभी भी बाहर बैठे हुए हैं कुछ मरीज। बाकी मैसेज क्या है ऐसे लोगों को जो निराश हो जाते हैं, निसंतान नहीं हो पाती जिसकी? देखो, हर शरीर अलग अलग तरीके का होता है, सबकी अपनी अपनी अलग समस्या होती है, सबका अपना अपना अलग मर्ज होता है, किसी को कम समय लगता है, किसी को बहुत समय लगता है, किसी को बहुत इलाज लेके कंसीव होना पड़ता है, लेकिन हताश नहीं होना चाहिए। एक तरीके से इलाज कराइएगा तो ज़रूर प्रेगनेंसी मिलती है, आप सही पकड़ लेके चलें और टाइम पे इलाज कराएं तो आपको प्रेगनेंसी जरूर मिल सकती है, चाहे आप नॉर्मल ट्रीटमेंट से हो। आपको ज़रूरत है कि आपको आईवीएफ इस उम्र पे हो जाना चाहिए सही समय पे, तो भी आपको सफलता अच्छी मिलेगी।